अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मेरा नाम खालिद अलम है और हम ग्रिप्स थिएटर से ताल्लुक रखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ग्रिप्स थिएटर के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। ग्रिप्स थिएटर जर्मनी का एक थिएटर ग्रुप है, बर्लिन का, और उसका जो पाकिस्तान का चैप्टर है, मेरा ताल्लुक उससे है। ठीक है, ये ड्रामे हम 1980 की दहाई से करते चले आ रहे हैं पाकिस्तान में। मेरे साथ स्टेज पे आप जिनको देखेंगे उनमें फायजा काजी है, खलीफा सजीरुद्दीन, मारिया हुसैन, आयशा शेख, हैना अमीद और मैं। इस ड्रामे का नाम है छोटी मोटी टोटा और एस एम हामिद। ये चार बच्चों की कहानी है और इसको कहते तो है कि बच्चों का ड्रामा है, लेकिन ये 8 साल से 80 साल की उम्र तक के बच्चों का ड्रामा होता है, क्योंकि बच्चों का कोई मसला बड़ों से अलहदा नहीं होता। बच्चों का हर मसला बड़ों का साख्ता होता है, यानी बड़े वो मसले बड़ों के लिए, बच्चों के लिए बना देते हैं। हमारे रवैये, हमारे तरीके, हम जो करते हैं, हम जो कहते हैं, वही चीज बच्चों में हम मुंतकिल कर देते हैं, ट्रांसफर हो जाती है। और इसलिए किसी भी माशरे में कोई भी मसला हम बच्चों को जिम्मेदार नहीं ठहराते और ठहराना नहीं चाहिए। अगर कोई ये कह जाए कि मेरा बच्चा झूठ कहता है या मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, तो वो बड़ों का कसूर होता है, क्योंकि बच्चे की नशोनुमा में, उसकी पर्सनालिटी को तख्लीक देने में बड़ों का हाथ होता है। तो बस हम 5 मिनट में ये ड्रामा शुरू करेंगे, छोटी मोटी टोटा और एस एम हामिद। ये ओरिजिनल जर्मन ड्रामा है जिसको उर्दू में अडेप्ट किया है जनाब इमरान असलम ने, और आप तक पहुंचा रहे हैं ग्रिप्स पाकिस्तान। 2 मिनट 5 मिनट हमारे साथ आप बर्दाश्त करें, आगे आ जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। बच्चे शामिल हैं इस ड्रामे में। वो जरा सा डील दिया, जरा सा डील दिया तो आसना मसना शुरू हो गया है। तुम तुम इतना आस्था क्यों है? वो ज्यादा आसेगा, बट इसी को निकाल के आग पे रखेगा, फिर मुंह में सीडी डाल के तो बात कर सकेगा सिर्फ। फजूल लोग है तुम भी। अभी हम जाते हैं डीआईजी एनजी के पास, हमारा दोस्त है और वैसे भी हम टैक्स देता है कभी कभी। वो जब भी पुलिस वाले का जलसा होता है आ जाता है चंदा मांगने को। वो है वैसे, अभी हम तुमको बताते हैं, हम जा रहे, अगर वो बच्चा लोग वापस इधर आया उसको बोलना कि मालिक मकान ने बोला है कि अपने वसीयत नामे पे दस्तखत करा ले। ठीक है, हम जाते हैं फमान खुदा। मोटी, हाँ? टोटा आ जाओ, खतरा टल गया। ये टोटा कहाँ गया? पता नहीं, अभी तो वो यही था। तुम लोगों ने इसे देखा है? उसके ना लंबे लंबे बाल हैं, उसकी शक्ल ड्रैक्युला जैसी है, और वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। उसके पास एक हॉर्न है जो वो खूब बजाता है। अच्छा, क्या करें? शायद हम अगर उससे मिलके बुलाएं तो वो आ जाए। हाँ चलो, मैं गिनूं। अच्छा हाँ, 1 2 3 4 5 3 3 टोटा। बात नहीं बनी। अच्छा मैं बताती हूँ। हाँ, ये आवाज कहाँ से आई बताएं? ओहो, तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, जल्दी आओ ऊपर खेलना है। ना मामा, मैं नहीं आ रहा, यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा है। मौसम तो यहाँ खुशगवार है, मतलब
جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور کہیں کہیں ہلکی پھلکی بارش پڑنے کا امکان ہے. نہیں موسم یہاں زیادہ اچھا ہے, یہاں نا تمہاری طرح تو کیچڑ ہے, چھینٹیں بھی پڑ رہی, یہاں تو چھینٹیں بھی نہیں آئیں گی. اوہو آ جاؤ نا ٹوٹا, دیکھو میں تمہیں اپنی چھتری کے نیچے جگہ دوں گی. لولی لولی, یہ چھتری ہے؟ اس چھتری میں تو کینوس کم ہے اور چھید اتنے بڑے بڑے ہیں. کمال ہے, اس چھتری میں تو کینوس کم اور چھید زیادہ, یہ کوئی مجھے لیگل فریم ورک نظر آ رہا ہے. یہ بڑوں کے لیے جوک ہے. اوہو تو یہ چھتری بھی تو بڑے ہی بناتے ہیں نا. اب آ جاؤ نا, دیکھو آ جاؤ نا. دیکھو بارش تو اچھی چیز ہوتی ہے, اس میں ہر چیز اگتی ہے, تم بھی گٹھے رہ جاؤ گے. کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, بارش میں تو نا ڈیفنس والے بھی ڈوب جاتے ہیں, اس میں صرف مینڈک اور ڈڈو خوش رہتے ہیں. ہاں دیکھو چھوٹی, چوٹ لگ گئی. آئے آئے آئے, ڈبے کو پھول بنا لیا, ٹوٹے کو پھول بنا لیا, لا 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 لا. تم نے جھوٹ بولا میرے ساتھ. یہ ہماری شرارت تھی. شرارت نہیں تھا, جھوٹ تھا. یہ شرارت, شرارت. اچھا تم لوگ بتاؤ یہ جھوٹ تھا یا شرارت؟ شرارت. دیکھا دیکھا, شرارت. یہ سب کہہ رہے تو مان لیتا ہوں شرارت تھی, ورنہ تھا تو جھوٹ ہی ہے. اوہو دیکھو, میں آپ لوگوں کو سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کون ہیں. یہ ہے میری بیسٹ فرینڈ چھوٹی, میں ہوں موٹی, اور وہ جو ہم سے روٹ کے کھڑے ہوئے ان کا نام ہے ٹوٹا. ہم سب ایک ہی گلی میں رہتے ہیں, نمبر 5/7 کوڑا گلی. کیا ہوا؟ عمران خان کی طرح پاؤں اڑ گیا میرا. کیا ہوا؟ کیسی لگی میری شرارت؟ اچھا سنے, ہماری گلی میں 99 کتے رہتے ہیں. ہاں اور رات کو نا بلیاں راگ لاپتی رہتی ہیں. اور اس گلی میں نا ایک کھمبا بھی ہے جس کو یہ 99 کتے بہت پسند کرتے ہیں, سارا دن اس کے گرد چکر لگاتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کیوں ان کو بہت پسند ہے کھمبا یہ. اس گلی کے قریب کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم کھیل کود سکیں, ورزش کے بغیر تو ہم سب کافی موٹے ہو گئے ہیں. اور اس گلی میں نا رکشا, ٹیکسی, گاڑیاں, بسیں, ویگن 24 گھنٹے پھرتے رہتے ہیں. جیری بابا, جیری بابا, شور مچاتے ہیں, ہم کو ڈراتے ہیں. اور اس گلی کے قریب کوئی جگہ نہیں جہاں ہم کھیل کود سکیں. یہ ہو چکا بھائی, اس گلی میں 33 بد مزاج بوڑھے لوگ رہتے ہیں جن کی مجموعی عمر 560 سال ہے. ہم پہ چیختے رہتے ہیں, ہر وقت بڑبڑاتے رہتے ہیں. یہ لاؤ وہ لاؤ, بھاگ جاؤ, شور مت مچاؤ. ہمارے والدین دن بھر کام پہ جاتے ہیں اور شام کو گھر پہ آ کر دن بھر کا غصہ ہم پہ اتارتے ہیں. سارے لوگ ہم پر چیختے رہتے ہیں, تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایک گروپ بنائیں تاکہ اگر کسی نے موٹی یا ٹوٹے کو کچھ کہا, یا چھوٹی اور ٹوٹے کو کچھ کہا, یا چھوٹی اور موٹی کو کچھ کہا, تو ان کا مقابلہ ہم تینوں سے ہوگا. میں ہوں چھوٹی, میں ہوں موٹی, اور میں ہوں ٹوٹا. لا 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 لا, میں ہوں چھوٹی, یہ ہے موٹی, اور یہ ہے ٹوٹا. لا 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 لا, ہم سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. ہم جہاں بھی کھیل جاتے ہیں وہیں بڑے آ جاتے ہیں اور ہم کو مار بھگاتے ہیں. ہم کیا کریں, کہاں جائیں, آؤ سڑک پہ بیٹھیں, ٹھنڈی ہوا ہی کھائیں. یہ ہے چھوٹی اور یہ ہے موٹی, اور میں ہوں ٹوٹا. لا 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 لا. جب گھر میں کھیلیں تب ڈانٹے, جب باہر کھیلیں تب ڈانٹے, یہاں بھی ڈانٹے وہاں بھی ڈانٹے. ہم کیا کریں, کہاں جائیں, نہ کھیل کا میدان ہے نہ کوئی اڈا. یہ ہے چھوٹی, یہ ہے موٹی, اور میں ہوں ٹوٹا. لا 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 لا. کیا ہوا؟
मुझे होमवर्क याद आ गया, तो आंटी ने बहुत होमवर्क दिया है। क्या मुश्किल है, घर पे भी काम करो स्कूल में भी काम करो। अच्छा सुनो सुनो टोटा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मिलके करेंगे, जल्दी हो जाएगा होमवर्क। अच्छा ठीक है, देखो आज मैं तुम दोनों से होमवर्क कॉपी कर लूंगी और कल तुम दोनों मुझसे। ठीक है अच्छा फिर यहीं पे मिलना, यहीं मिलना, यहीं रहना, जाना मत, अभी आते हैं, नहीं करना। ओके ओहो अब तो मैं अकेली रह गई, तब मैं क्या करूं। हाँ मैं पता है, जहाज बनूंगी, जहाज। देखें पायलट बैठी जहाज में, गॉगल्स पहने, विंग्स निकले, क्या कर रही हो, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे लड़कियों से चिढ़ है। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं क्रैश कर जाऊंगी। तुम कौन हो सैयारा? आपको इससे क्या, मेरे अब्बू ने कहा है गैर औरतों से बात नहीं करनी चाहिए। तुम लोग इस अजायब घर से फरार शख्स को जानते हो? वैसे आप मुझे ये बताएं, आपका रूट क्या है, अब जा का नहीं है, चांद वान पे तो नहीं जा रही? ना बाबा मैं तो चीचू की मलिया जा रही हूँ, वो इस तरफ चांद उस तरफ, काफी बुद्धू हो तुम। चीचों की मलिया क्यों जा रही है, वहाँ तो कोई हवाई अड्डा ही नहीं है। तुम टीवी नहीं देखते? देखते हैं देखते हैं। हाँ? हमारे अब्बू जो है ना वो दुबई से लेके आए थे 2-2 56 इंच प्लाज्मा, ड्यूटी भी नहीं दी। तो तुमने इस टीवी पे ये नहीं देखा कि हुकूमत हर छोटी बड़ी जगह हवाई अड्डे बना रही है 56 साल मंसूबे के तहत? पता है खाक पता है। तुम जहाँ खड़े हो ना वहाँ समंदर है, तैरना आता या नहीं? नहीं। तैरो मियाँ तैरो, नहीं तो गए काम से, केकड़े तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। तैरो। तैर रहा हूँ लेकिन ये कराची और चीजों की मलिया के दरमियान कौन सा समुंदर है? तुम ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, तुम्हें नहीं मालूम कि सिंध और पंजाब के दरमियान एक खलीज है? अच्छा। अजीब पाजी इंसान है, बीच समंदर में खड़ा है और तैरना भी नहीं आता। अरे तैरो। तैर रहा हूँ, तैर रहा हूँ। बढ़ो चलो, हाँ पैर मारो। ये बहुत वाहियात खेल है, वैसे भी अब तक तो मैं काफी दूर निकल आया हूँ, साहिल कहाँ है? साहिल और समंदर में तुम्हें फर्क नहीं मालूम कीड़े? ये आप खटारा डकोटा क्यों उड़ा रही हैं? खटारा डकोटा, मैं F-16 हूँ, F-16 खरपेंच कहीं के। मैं बहुत भाग दौड़ के बाद काबू में आती हूँ, सुपरसोनिक जेट हूँ। हाँ मौत बालाय मौत। लड़कियों को क्या पता सुपरसोनिक वूपरसोनिक का? अच्छा मैं बताती हूँ। अच्छा चल देख रहो। हाँ मैं भी जहाज बन जाऊं? हाँ बन जाओ बन जाओ। अच्छा ओके जहाज को मैं स्टार्ट कर लूं, यहाँ बढ़ जाऊं बढ़ जाऊं बढ़ जाऊं। अल्लाह मैं थक गया, चलो कुछ और खेलते। क्या? वो जहाज जो है ना वो क्रैश हो गया। अच्छा। और मैं उसका पायलट हूँ, ठीक है, और मैं खूंखार आदमखोर हूँ। नहीं तुम जो हो ना तुम मछेरन हो। नहीं बाबा। जो कि आके मुझे बचाती है। नहीं समंदर में मछेरन कहाँ से आई? है? मैं खूंखार आदमखोर हूँ जो तुम्हें साहिल पर लाके भून भान के खा जाएगी। देखो अगर तुम मछेरन नहीं बनोगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। हाँ जबरदस्ती है। हाँ है। तुम कौन से खेत के मूली हो डब्बे? मेरे जो जी में आएगा मैं करूंगी। तुम कौन होते हो हुकुम चलाने वाले? हूँ बस, और वैसे भी आप लड़कियां जो है ना आपका तो अकल ही नहीं होती। और आप जो है ना आप मेरी बहन से भी ज्यादा बेवकूफ हैं, और यकीन माने मेरी बहन काफी बेवकूफ है। पता है तुम क्या हो? क्या? बुद्धू। बुद्धू? मैं बुद्धू? हाँ आप बुद्धू। बुद्धू बुद्धन बुद्धन खामोश हो जाओ। कितनी बार समझाया इन पिल्लों को, इधर खेलने का नहीं है, शोर मचाते इधर है, सुनते ही नहीं। अरे कान खोल कर सुन लो, फिर ये आए ना तो टांगे तोड़ दूंगी। अरे अच्छा खासा मोहल्ला हुआ करता था हमारा है, अब तो इन बच्चों ने जीना मुश्किल कर दिया है। आने दो तुम्हारे माँ बाप को, आज मैं तो शिकायत करके रहूंगी गप्पर भाई। आने दो इनको घर वापस, बदमाश गुंडे कहीं के।
रोज हमारे साथ यही, हम जहाँ भी खेलना जाए ना वहाँ कोई ना कोई बड़ा जरूर आ जाता और हमको मार भगाता है। अरे वो बोंगा पायलट कहाँ गया? मैं यहाँ, पैराशूट पहन के छलांग लगा दी। मैं यहाँ हूँ रूरीरू। ओए 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 ओए, मेरा नाम ओए नहीं है, मेरा नाम ऊगा ऊगा है। ये मेरा जजीरा है। तुम्हारा क्या नाम है गोरा मैन? आपको इससे क्या? आप एक रिंगते हुए कीड़े हैं, अकेले ही खेले मैं चली। बात सुनो ना, बात क्या, सुनो क्या? मेरा नाम जो है ना वो है एस एम हामिद। मैं पायलट नहीं हूँ, मैं डाकू, ठीक है? और मैं समुंदर में डूब रहा हूँ और तुम आके मुझे बचाती हूँ, ठीक है? तो मैं डूबू, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ, अरे अभी पुलिस में कहकर आती हूँ। अरे जेल में सलोगे ना तो पता चलेगा, लेकिन इससे पहले मैं नीचे आती हूँ, मार मार कर पुर्ता बनाऊंगी तेरे नाली के कीड़े। ये एक अच्छी पड़ोसन है, इसने आज सुबह नाश्ते पे एक गंदा अंडा खाया था फ्राई। ओहो, तुम कहाँ थी? ढूंढ रहे थे तुम। हाँ। कहाँ चली गई थी तुम? गली में हम खेलते थे, हंसते थे, कूदते थे, पड़ोसी ने दिखाई छोटी, 9-2-11 हो गई छोटी। नहीं, मैं खेल रही थी ना यहाँ। एक अजीब सा बंदा आया है? नाम से ही पता चल रहा है वो क्या चीज है। क्या? एस एम हामिद। ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट स्लो स्लो चलता है, अपनी मनमानी करता है। तो कहाँ गया? हाँ, कहाँ है वो? अरे वो 30 नंबर वाली बुढ़िया ने क्या शोर मचाया, हजरत बिजली की तरह गायब हो गए। फिर शोर मचाया? देखने वाली चीज थी। मैं इतना नहीं डरी ना एक्सपीरियंस की वजह से, इसी बात में भागे यहाँ आ गए। इसका यकीन मत करना, झूठी है सरासर झूठी। तो ये है एलएसएम हामिद। ओए भगोड़े, झूठ बोलता है, तू भागा था या नहीं? देखेंगे, तू तड़ाक से बात मत की रे। हाँ, वो मैं भागा नहीं था वहां से, वो मैं समझा कि मेरी वालदा जो है ना वो मुझे बुला रही है। तो जब आपकी वालदा आपको बुलाती है तो आप अच्छे बच्चों की तरह भाग के घर चले जाते? हाँ, वो मैं समझा ना कि वो खाने का वक्त हो गया। पागल हो गया, 5 बजे कौन सा खाना आता है? मैं समझा ना कि वो रात के खाने का वक्त हो गया। 5:30 बजे रात का खाना। वो मैं समझा वो बुढ़िया जो है ना नीचे आके हमें मारेगी। दांत तेरे की मारेगी। सच्ची बात कहो ना, डरपोक तुम लोग दो थे, वो एक थी। डर गया। हाँ, डरपोक है, बुजदिल है। क्या करे बेचारा, नाम भी एस एम हामिद है। लेकिन पता है क्या, नामों में हमारा कसूर तो नहीं होता ना। हमारा नाम माँ बाप रख देते हैं अपनी मर्जी से, तो सारी जिंदगी हमें वो नाम अपने साथ दिए लिए फिरना पड़ता है। फिर भी एस एम हामिद क्या नाम है? हाँ, मोटी मोटी, हमें अपने गैंग के लिए और मेंबर्स चाहिए ना, फिर हम तगड़े हो जाएंगे ना, तो क्यों ना हम इसको हैं? आइडिया अच्छा है छोटी, चलो बताओ बताओ बताने, ठीक है ना, कह दो। हाँ, और मेंबर्स चाहिए ना, ज्यादा हो जाएंगे ना। अच्छा अच्छा, चलो कह दो। एस एम हामिद, आप हमारे साथ खेलोगे? मैंने भी टीवी पे देखा था, मैं भी चांद पे जाऊंगा। मैं भी चांद पे जाऊंगा। और मैं तो तारों की सैर करके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तो तुम सारे जो हो ना, तुम मेरे जहाज के अमले हो और मैं कप्तान हूँ, सिर्फ मैं चांद की सरजमीन पे सैर करके आऊंगा, तुम सारे जहाज में रहोगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, हम दोनों जो है ना, हम दूसरे सैयारे के खूंखार दरिंदे हैं। दोनों जो पाकिस्तान से आए। ठीक है, एक बात सुनो, ये दूसरे सैयारे पे तो कोई जानदारी नहीं होते। तो मैं कैसे मालूम? गलीलियो ने कहा था। चलो 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 चलो, तुम किधर जा रही हो? इधर आओ। कहाँ? ये जो है ना, ये हमारा रॉकेट है, ठीक है? अब ये चांद के ऊपर लैंड करने आ रहा है, सीट बेल्ट बांधी है कि नहीं? बांधो। अच्छा, अब ये आ रहा है लैंडिंग के लिए। ओए,
चले। ठहरो तो सही, सीट बेल्ट फाड़ के बाहर जाओगी, खोलो सीट बेल्ट। और पहले मैं जाऊंगा, ठहरो पहले मैं। उफ, मैं चांद की सरजमीन पे पहला इंसान हूँ, नील आर्मस्ट्रांग। इतना बड़ा खाली प्लॉट, यहाँ पे तो मैं प्लाजा बनाऊंगा, मूनलाइट प्लाजा। अरे सर, हाँ? वो देखिए किधर, पाकिस्तान नजर आ रहा है। कहाँ, धुंधला धुंधला सा है। वो देखे ना, तारों की तरह चमक रहा है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ओ, ये अबर कब छटेंगे, बड़ी दूर है। ओ, सर। हेलो, कौन है ये? हाँ, हम लोग जमीन से आए हैं। मैं कौन, मेरे जाट के करीब मत आना, मैं गोली चला दूंगा। गोली क्यों चलाई तूने कीड़े? बाबा, मैं मेरे जाट के करीब आ गया, गोली मार दूंगा। लड़ोगे? लड़ोगे? मैं सर मार के। अरे क्या कर रहे हो भाई, हम खेल रहे हैं यहाँ, क्या होगा तुम लोग को? जो जो वो खेलता खेलने दो ना अब। अच्छा बाबू, चलो ये कुछ और खेलते हैं। क्या ऐसे करते हैं, चोर पुलिस खेलते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, है। और मैं पुलिस चीफ, जाहिर है। अब वो और तुम चोर हो? नहीं नहीं, चोर नहीं, डाकू कहोगे तो खेलूंगा, चोर कुछ ओल्ड फैशन हो गया ना। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम डाकू हो, तुम दो पुलिस वाले। चल, हाँ। चल, चल, हाँ। और तुम इसको पकड़ के ना मेरे पास ले जाओ। अच्छा पकड़ के ला रहे, आ जाओ सर। तुम्हारा नाम? मेरा नाम, हाँ, एसएम हामिद। देखो मजाक मत करो, नहीं तो मैं सीरियस हो जाऊंगा। सर मैं तो हूं ही बहुत सीरियस, मेरा नाम है डाकू एसएम हामिद गिद्दू बंदर वाला। अच्छा चलो ठीक है, मुझे ये बताओ तुमने फिर डाका डाला? यस सर, हमने ना वो कल्लू मिठाई की दुकान पे डाका डाला कल, जलेबियां, लड्डू, पेड़े, गुलाब जामुन, गागड़ गुल्ला। स्टॉप, हाय बू। मुझे ये बताओ, तुमने कहा हम? हाँ सर हम। तो ये हम कौन है? हम सर, मैं और ये दोनों पुलिस वाले। ये पुलिस वाले तुम्हारे साथ थे? यस सर। तुम दोनों को सस्पेंड किया जाए। सर क्या कर रहे सर, आज का तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आज तो हम अपने स्कूल में डाका डालेंगे, रिपोर्ट कार्ड चोरी करेंगे। आज दिन तक मैंने ना ऐसा डाकू देखा है और ना ऐसे पुलिस वाले जो कि सिर्फ करते हो। वैसे भी तुम लोगों को ना खेलना तो आता नहीं है, लड़के हो ना। एसएम हामिद, तुम बहुत बोर इंसान हो। मैं बोर हूँ? तुम बोर हो? बोर बोर डबल बोर। अरे काहे को शोर मचा रहे हैं, अरे हजार बार का है, इधर खेलने को मना है, बाज नहीं आते हो है? चलो पुट्टा खाओ। आजकल के बच्चों को ना जाने क्या हो गया है, खामोशी से खेल ही नहीं सकते। अरे भागो यहाँ से, नहीं तो इधर इधर जाओ, पुलिस को बुला लेंगे हम लोग। अरे अरे बदतमीज नालायक, कोई अदब ही नहीं, इनकी पुलिस में रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। ए पुलिस, ए पुलिस। बस अभी थोड़ी है, वो तो घर के अंदर जाने का बात है। बस रोक दो, चलो आ जाओ। क्या मुश्किल है, हद हो गई। हम कहाँ खेले? शोर मत मचाओ ना, यहाँ से भी निकाले जाएंगे। इस मोहल्ले में इंसान रहते थे तुम्हारे आने से पहले। इस मोहल्ले में कुत्ते भी अदक से भौंकते थे तुम्हारे आने से पहले। इस मोहल्ले में अमन पसंद बाशिंदे रहते थे तुम्हारे आने से पहले। तुम्हें कैसे पता, तुम तो अभी आयो। सौ साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, 100 साल से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो दीवारों के ऊपर सुसु करता फिरे। 100 साल से मैं यहाँ गप छप कर रहा हूँ, अब अगर किसी ने शोर मचाया तो मैं कर लोगे? मैं ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुमने पहले जिंदगी में कभी नहीं चखाऊंगा। हमने कितना मजा चखाऊंगा। वो अगर मैं तुम्हारी मम्मी होता तो मैं तुम्हारी बेटी के ओहदे से इस्तीफा दे देती। तो मैं तुम्हें अदब सिखाती। अच्छा हमें सिखाओ, अदब सिखाओ। मम्मी बन जाओ, मम्मी मम्मी। अच्छा चलो मैं मम्मी बन रही हूं। मोटी मम्मी चट्टी पहनी हो मम्मी ने।
देखो मम्मी को तंग नहीं करो, मम्मी पहले लिपस्टिक और अपना पाउडर लगा ले। हाँ ठीक है मम्मी। मम्मी रेडी हो गई है, मम्मी ने हील भी पहन ली। अच्छा अब मम्मी आ रही है, ओके लाइन में खड़े हो जाओ। हेलो बेटा। हेलो मम्मी। बेटा ये बताओ अच्छे बच्चे क्या करते हैं? अच्छे बच्चे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। नोटी बॉय, सारा मेकअप धो दिया तुमने, इधरो। हेलो बेटा। हेलो मम्मी। बेटा ये बताओ अच्छी बच्चियां क्या करती हैं? मैं बताऊं? हाँ। नोटी गर्ल, इधरो। और तुमने ये बाल कैसे बनाए हैं? तीन महीने से क्या नहाई नहीं हो? पानी नलकों में आएगा तो नहाऊंगी ना। अच्छा, तुम अपने नाखून दिखाओ। ये नाखून नहीं है किसी खूनी दरिंदे के पंजे, इधर हो जाओ। तुम अपने नाखून दिखाओ दूसरी तरफ से। ये नाखून घुमाओ, हाथ घुमाओ। ये नाखून है या किसी गटर की कान? कान गटर की। शोर नहीं मचाओ वरना यहाँ से भी निकाले जाएंगे। पर यहाँ तो कोई है? यहाँ तो कोई भी शोर नहीं मचा रहा। कहाँ है? कहाँ है? सोने वालो उठो। वो घर खाली है शायद। हाँ देखो खिड़की पे पर्दे भी नहीं लगे हुए। चलो मैं देखता हूँ। तुम्हारी चार आंखें हैं क्या? नहीं मैं अंदर जाके देखता हूँ ना। अंदर क्या? अंदर अंधेरा, टॉर्च है तुम्हारे पास? टॉर्च है? हाँ है। चलो जाओ जाओ देखो। तुम जाओ, हम यहाँ चौकीदारी करते हैं। अच्छा सुनो, जाओ जाओ, बड़ा मजा आएगा। आराम से अंदर जाओ, तो क्या होगा? हमें जगह मिल जाएगी खेलने की, कितना मजा आएगा ना। यहाँ तो कोई बड़ा भी नहीं है। हम अगर देखो उसको क्या हो रहा है, जरा देखो तो ना। हम यहाँ से जाते हैं ना। एसएम तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं बस गंद बला है। अच्छा आ जाओ, एक एक करके आना, आराम से आराम से। उनको बता देना यही है, वहाँ से खिड़की आ जाए कहीं। हमारी खिड़की चली जाती है यहाँ से। ये देखो अच्छा है, अंधेरा बहुत है यहाँ। टॉर्च तो जलाओ ना एसएम। एसएम टॉर्च, इसकी बैटरी खराब हो गई है, दूसरी लेकर आओ ना बैटरी। पेट्रोल से चला लो ना। जनरेटर तुम लाओगे? नवेद भाई टॉर्च दे दे प्लीज। हाँ आ जाओ आ जाओ। खाना खराब का बच्चा। ये बच्चों ने तो हमारा नाक में दम कर दिया। वो हम गया था पुलिस में, हमने ताने में रिपोर्ट लिखाया। अभी डीआईजी एनजी ने बोला है कि वो दो इधर पुलिस वाले को भेजेगा गश्त करने को, ठीक है। अभी हम तुमको क्या बताए, हमको बच्चों से ज्यादा बिल्डिंग फालने का शौक है। चुपचाप अपना जगह पे खड़ा रहता है, महीने का महीना पैसा भी दे जाते। पर ये बच्चा लोग तो बच्चा। अभी अगर किसी ने इधर शोर मचाया पुलिस वाला आएगा पकड़ के तो बंद कर देगा लॉकअप में। खैर वही इतना टाइम हो गया, अपना आज हम गाड़ी भी भूल गए। खैर अभी ये बात सुनो, जो पुलिस वाला आएगा दो उसको बोलना कि मालिक के मकान उसका इंतजार करके चली गई, ठीक है। अभी हम जाती है वाय हमारा तरफ बेच देना पैमाने खुदा। ओए ओए हमें क्यों बुलाया इधर है? वाय तुम आ गए? हाँ जी। ये तो देर करके, आखिर कोई बात नहीं है। मुझे आप जरा मालिक मकान है। वाय तो हम तुमको क्या मालिक के फाइव ईयर प्लान नजर आती है? मैं ठीक हूँ। वाय हम भी ठीक है ना जी। ना मेरा नाम ठीक है। होगा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ठीक। अजी भाजी खातू ने हम नाम पूछते बोलता है ठीक। जी मैं बताती हूँ, ये वालदा ठीक है और मैं सब वालदा ठाक हूँ। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, कब समझा।
ना जी ना, ठीक ठाक। वैसे जी वैसे ये बताएं जी, आपने हमको यहाँ क्यों बुलवाया जी? वो हमने तुमको नहीं बुलवाया। अच्छा, हमने तुम्हारा DIG NG से बोला था कि वो दो पुलिस वाले को बेच दे, उसने ये दो नमूना बेच दिया। नमूने? हम आपको नमूने लगते हैं जी? हम कोई फिल्म का ट्रेलर तो नहीं है, हम मुकम्मल है। वही तुमने तो बोला था कि तुम्हारा नाम ठाक है। हाँ जी जी, वो तो मैं हूँ, हम दोनों घड़ी की तरह टिक टाक है। अच्छा। मैं हूँ ठीक, मैं हूँ ठाक, ठीक ठाक ठीक ठाक। मैं हूँ ठीक, मैं हूँ ठाक, ठीक ठाक ठीक ठाक। हम दोनों करते हैं वॉक, ठीक ठाक ठीक ठाक। मैं हूँ ठीक, मैं हूँ ठाक, ठीक ठाक ठीक ठाक। दिया जी ने भेजा है आपसे करने को टॉक, ठीक ठाक ठीक ठाक। मैं हूँ ठीक, मैं हूँ ठाक, ठीक ठाक ठीक ठाक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी गाना बजाना बंद करो, हम समझ गए तुम कौन है। अभी हमने तुमको एक बात बताना है, ये गली के अंदर कुछ तखरीबकार और गुंडा अनासर बसती है, जिसने इधर का लोगों का नींद हराम कर दी। मैं सर, इधर तो ज्यादातर लोग हराम की नींद सोते हैं। सच मत बोलो, मेरा मतलब है कि बीच में मत बोलो। ये बताएं, हाँ, ये जो गुंडे हैं, हाँ, इनके पास हथियार क्या है? हथियार? वो ये 10-11-12 साल का बच्चा है। पिल्ले, इनकी तरह? हाँ, हाँ, तो खुलैल वगैरह होगी? हाँ? ये बच्चे आप लोगों से नहीं संभलते? वो तुम हमारा तफ्तीश क्यों करते हैं? हाँ? तुम अपना काम करो। हाँ? अच्छा? हाँ? वो ये बच्चा जो है, तुमको हमने बताया इधर का सुकून लूटता है। जी सर जी, ये बताए जी, हाँ? ऐसा क्यों करते हैं? वो हमको क्या पता ऐसा क्यों करते हैं? हम तो ये जानते हैं कि ये बच्चा लोग शोर मचाती है और ये चीज हमारा जायदाद पे नहीं कर सकती है। अभी तुम जाओ और अपना ड्यूटी करो। ये बताए जी, जी बच्चों को जी किधर खेलना चाहिए? वो हमको क्या पता किधर खेलना चाहिए, हमने तुमको बोला जाओ अपना ड्यूटी करो, समझ आया? सर बजा मालिक। बजा? हाँ। क्या बजा? ठीक है सर। और ये 5-6 बजे। अच्छा ठीक है, अभी देर हो गया, हम चलते हैं। ठीक है, बच्चा लोग आए तो उसको पकड़ के बंद कर दें, नहीं तो DIG NG के साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुकात है। ठीक है, अगर तुम दोनों ने कोई काम के अंदर ऊंचा नीचा किया, तुम दोनों को पकड़ के तो लॉकअप में बंद, समझ आया? अभी हम चलते, पमाने खुदा। अरे बड़ा ही खराब आदमी है जी, मेरे मालिक मकान से भी ज्यादा। ऐसा करते हैं ना, उन बच्चों को थोड़ी देर के लिए तोड़ लेते हैं। हाँ जी, अगर DIG को पता चला कि हमने काम नहीं किया ना, तो मारे जाएंगे। ओ वैसे भी अमन अमान बहाल करना तो हमारा फर्ज है, क्योंकि हम लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी है। ऐसा करते हैं, उन बच्चों को थोड़ी सी देर के लिए तोड़ लेते हैं और फिर मैं तुम्हें एक खुफिया जगह ले जाऊंगी, जहाँ पे हम बैठ के ना तो चाय शाय पिएंगे। अल्लाह करे वहाँ में मिले ना। कितनी बार का है ताऊस और अबाब आखर। मैडम जी फिर शायरी शुरू? हाँ तो शायरी तो होती है, अब बुल्स वाले शायरी निकलेंगे तो कौन करेगा? किधर है मिस्री की? यू गो इन फर्स्ट, यू गो इन फर्स्ट। आई एम ऑलरेडी इन देयर नाउ, सो आई एम लुकिंग अराउंड। कुछ नजर आया? हाँ, एक चूल्हा। चलो भूखे तो नहीं मरेंगे। हाँ, काफी डरावना माहौल है, मैंने आवाज सुनी है। चूहा! क्या है, तुम क्यों चीख रहे हो?
ठीक हो तुम? आई, ये क्या? आ, मुझे मिल गई, क्या है? आ, है? मिस्री की डलियों। मुझे बताओ, मुझे मिली है, मेरी है। मेरी क्या चीज होती है? यहाँ की हर चीज हमारी होती है। नहीं, लेकिन ये पहले मुझे मिली है, इसलिए मेरी है। तो तुम सारी की सारी तो नहीं खाओगे? नहीं, मिल बांट के खाएंगे, लेकिन चीज मेरी है। हाँ, अगर मिल बांट के खाएंगे तो हम मान लेंगे कि चीज तुम्हारी है। हालांकि फर्क तो नहीं पड़ता। पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो मैंने इस चूल्हे को हाथ लगा दिया, अब चूल्हा मेरा है। तुम चूल्हा खा लो। तो मैंने एक खिड़की देखी थी पहले। हाँ। खिड़की मेरी है। तो तुम खिड़की खा लो। अच्छा। हाँ। तो मैंने सबसे पहले ये घर देखा। हाँ। था। अच्छा। निकल जाओ मेरे घर से, ये मेरा घर है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो खाओ, करो जल्दी दो। हाँ, ये ख्याल से खाना, इसमें चूहा मार दवा ना। नहीं नहीं, मजे की खा लो, चलो। अच्छा, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ, कौन आ रहा है? मैं ठहर जाऊ ना, लाइट तो कर लू। टोटा, इतना बड़ा घर सिर्फ हमारे लिए? बड़ा मजा आएगा। पता क्या, यहाँ पे जो मालिक मकान है ना घर का, वो भी तो आ सकता है। वो यहाँ भी आ सकता है भाई। हर घर का कोई ना कोई मालिक होता है, वो उसमें रहे ना रहे तो उसकी मर्जी है ना। वो यहाँ आएगा, हम पचीखे का बोलेगा, निकल जाओ मेरे घर से, ये घर मेरा है, ये दीवारें मेरी है, ये आसमान मेरा है, ये जमीन मेरी है, जो मेरा है वो मेरा है। यस मैडम। ओ, ये है मेरी खुफिया जगह। हाँ। वाह, कैसा लगा? बड़ी अच्छी जगह है ना, झाड़ पोछ की जरूरत है। हाँ। पर मैडम जी, हमें ऐसे खिड़की से नहीं अंदर आना चाहिए था ना, और देख लिया तो? कौन देखेगा इधर मैडम, कोई पुलिस ने देख लिया तो? ओ, इधर कोई पुलिस वुलिस नहीं है मैडम जी, हम तो है ना। अब मैंने नहीं देखा। ओहो मैडम। ओजी, ओए, ये लो जी, वैसे पता क्या, हाँ, अंदर तो आना चाहिए था ना, तफ्तीश करते शायद कोई इधर छुपा छुपा होता है ना। हाँ, छुप जाओ, छुप जाओ। तुमने कोई आवाज सुनी? अरे पागल, तुमने मुझे पागल कहा है? नहीं मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ओ यार, मैं कहती इधर आराम से बैठते, थोड़ी देर चाय शाय पीते, आराम करते, उधर वो ऐसे चोहर वक्त तुम्हारे सर पे बैठा होता है। मैंने इधर मिस्री की डलिया रखी थी, वो किधर गई? मिस्री हम खाओगे? मैंने मिस्री का लफ्ज सुना है। इको मैडम, ये देख, ये मिस्री आधी खाली है यार। ओए, अच्छा गिर गई होगी, चलो खैर है, कोई बात नहीं, तू खा ला ये लो। हाँ, वैसे पता है ना, ये जो मेरा घर है ना, ये है, ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। इसमें इतने बड़े बड़े कमरे हैं जी, हम इसमें वर्जिश कर सकते हैं। पीती भी मैडम जी यार, सॉरी। वैसे मैडम जी, हाँ, हमें नहीं अंदर आना चाहिए था। ओफो, अब तो हम अंदर आ गए हैं, तुम मेरी शरीके जुर्म हो। ये बिल्कुल गलत बात करी है, मैं जाती हूँ तफ्तीश करने। तू जा, आइंदा नहीं आऊंगी मैं आपके ना साथ। जाना ना मैडम जी, आप भी चले ना। मैं नहीं आना, खत्म हो गया मैं। क्या है यार, चलो जी, चलो। मैं नहीं जाना। अरे मुझे जबरदस्ती निकाल देते हो इधर से, आराम से जगह। अरे क्या कर रही हो, फंसाओगी हमें? और क्या, तू हमारे साथ हो, उनके साथ हो। पकड़े गए थे अभी, चाय पीने आए थे कानून के मुहाफिज। ओए ओए तौबा, ओए कैसे थे ये? पुलिस वाले, हैंड्स अप। इंस्पेक्टर एसएम हामिद, असली माल है, कहां से मिली? वो जो आए थे ना यहां, वो छोटी गए, फिर आ जाएंगे, पकड़े जाएंगे, पुलिस वाले टोपी लेने आएंगे ना अपनी। क्या करें, रखो खिड़की पे वापस, अभी क्या, मैंने कहा था ना नहीं रखो इधर टोपी, तुम क्यों छोड़ दिया? क्यों रखी थी मैडम जी, अब लोग मुझे पुलिस भी समझेंगे। वो सही सही समझेंगे हैं, पकड़े गए ना, चालाकी मत दिखाओ। यहाँ क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। और ये कोई खेल है?
बगैर इजाजत किसी के घर में आ गए और कहते हो खेले थे, तुम लोगों ने तो जुर्म किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसकी वर्दी चुराई नाम बताओ, बिल्कुल। अब तो तुम बड़े घर जाओगे थाने। हाँ चलो चलो दो दो डेस्क चाहिए, टेबल छोटा वाला, येलो टेबल, येलो टेबल। ओके मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर, ओ बंदर रोड से की मारी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। ये आया पुलिस स्टेशन यहाँ पे झमक झमक दम चप चप चप, बंद करो ये गाना बजाना बंदा, हम पुलिस को बुला लेंगे, मशीन में डाल देंगे। हाँ बैठ जाओ अच्छे बच्चों की तरह। आंटी आंटी आप हमें लॉलीपॉप देंगी ना? लॉलीपॉप नहीं कुछ और थप्पड़। चल बैठ यार, नहीं वहाँ बेंच पर, और इस पे तो जगह नहीं है, कहाँ बैठे? अरे बैठो उधर, बैठ ये तुम, ये तो शराब है, ओए बैठ जाओ, नहीं तो हम शराफत से बैठ जा, समझ आइए। हाँ कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ ओए तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, और तुम वो जिससे टोपी चुराई थी? हाँ और क्या, मेरा नाम है एस। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? टोटा। तुम्हारा नहीं मोटी, तुम्हारा नहीं इसका, मेरा नाम टोटा है। ओए मैं तीन तक गिनूंगी, अगर तुम लोगों ने अपने अपने नाम सही ना बताए ना तो तुम लोगों की शामत आएगी। बेवकूफ समझा मुझे। मैडम जी आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं। सबके सामने तो ना कहो। ओए और तुम खड़े हो जाओ। पाक सर जमीन चापा, तुम खड़े हो जाने मारी जाने हार जाने इस्तकबाल। बैठ जाओ तंग कर मारा है। ए ये तू इधर आ, इसको बुलाया था, तुम लोग क्यों आयो? वापस जाओ बैठो। तू किधर चला? खुद ही तो गया। ओ भाई उठो भाई, उठ इधर आ। आप तो ऐसी की तैसी करोगे, तुम लोग सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा जी उन कार्रवाई शुरू करते, बताओ तेरा नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ मेरा नाम है एस। ओ आंटी 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 सुसु आ रहा है बड़ी जोर से जाने बाथरूम। ये अच्छी सर्कस है यार, नहीं नहीं कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, बैठो नाम बताओ। अच्छा बाबा जाओ जाओ जाओ, लेकिन जल्दी वापस। अरे इधर नहीं, ये तो नियम के साथ पता चले, इधर जाओ तो भाई। तू क्यों खड़ा इधर है, जाओ। मुझे अब जाने की जरूरत नहीं है, बेगलीज गंदा जा यहाँ से। अल्लाह गंदा, तोबा तोबा तोबा। क्या मुंह देखी आज सुबह सुबह? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं भी ना इनको सबक सिखा के दम लूंगी, तू देखती जाओ। मैडम जी शायद इन्होंने कुछ किया ही ना। नहीं नहीं उनको अलग अलग पेश करो, इकट्ठे होंगे ना तो फड्डा डालेंगे। ठीक है।
ऐसा करते तुम बाहर जाओ और उस लड़के को लेके आओ जिसने तुम्हारी टोपी चुराई थी, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं बोलेगा। अच्छा बाकियों को बंद करके आना कमरे में। अच्छा जी। तो बा छी गंदा चलाकी नहीं चलेगी, समझ आई? सच सच बताओ, सच सच बताओ, तुम्हारा लीडर कौन है? ओए वो वाला लीडर नहीं, आजकल तुम्हारा लीडर कौन है? आजकल? हाँ आंटी, आजकल लीडर ही कोई नहीं है, इसलिए तो मुल्क का ये हाल है। ओए ओ, मैं सवाल पूछ रही हूँ, तुम उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो। बताओ घर के अंदर घुसने का आइडिया किसका था? वो मुझे नहीं पता किसका था, वो मेरा नहीं था। वैसे ये आइडिया क्या होता है? अरे किसी का तो होगा ना बच्चू, ये बताओ तुमको किसने उसकाया? उसकाया वो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अभी अभी दाखिल हुआ, मैं तो नया मेंबर हूँ। ओहो सोबत ने बड़ी जल्दी रंग दिखाया है। ओए बता जल्दी से जल्दी तुम्हारा लीडर कौन है, नहीं बताएगा ना तो सारों को सजा मिलेगी। अच्छा। जब बता दिया तो वादा माफ, गवाह बन जाना है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं पिट्ठू नहीं हूँ। शक्ल देखी अपनी, तुम्हें पता है उन बच्चों के साथ क्या होता है जो झूठ बोलते और सीधे रास्ते से हट जाते हैं? जेल की काल कोठरी में बड़े बड़े सर जाते हैं। जेल की हवा खाओगे? मैं जेल नहीं जाऊंगा। फिकर ना करो, अगर तुमने हमारे हमारे साथ कॉर्पोरेट किया ना तो तुम जेल नहीं जाओगे। अब वैसे भी तुम बहुत छोटे हो, जेल नहीं जा सकते। सुनो मिया, सीधे बैठो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी ग्रुप का लीडर कौन है तो मैं तुम्हारे मुंह में ये हाथ का सेंक लूंगा। आराम से, बच्चा है। और बच्चा है तो क्या हुआ, इससे जुर्म किया इसकी तो उसे सजा मिलेगी। और अब तुम्हारे वालदैन के पास जाएगी, उनसे शिकायत करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे वालदैन से कुछ मत कहिएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आखिरकार हम दोनों ने एक दूसरे की जुबान समझ ली है। ओए ठाक, बयान लो इसका, चलो। हाँ बोलो, क्या बोलो, बता रही ना, पूछ रही ना नाम क्या है। तुम अपने वालदैन के पास तो लेके जाएंगे वरना? नहीं देखो, मैं पहले बताएंगे, आप मेरे वालदैन के पास तो नहीं जाएंगे। अभी तो कह रहे हो जाऊंगी, फिर मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। ओए ज़्यादा समझदार मत बनो, जेल में पड़े पड़े सड़ जाओगे। अच्छा अच्छा, लिखो लिखो लिखो, छोटी छोटी लिखो, छोटी या शायद मोटी, मोटी लिखो, मोटी या शायद टोटा। एक मिनट, क्या लिखा तुमने? छोटी या शायद मोटी या शायद टोटा। ओए, ओए, और फिर तुमने सारों के नाम लिखा दिए? अब तेरी तो बदमाशा मत बुला दी। मेरी अगर मेरे पे यकीन नहीं आता तो बाकी सबको बुला के पूछ लेना, मेरे पीछे क्यों पड़ी है, मैं तो नया मेंबर हूँ। उनको बहुत बोलता है तो तुम कार्रवाई जारी रखो, मेरा मूड ऑफ हो गया है। ये बताओ घर के अंदर जाने का आइडिया सबसे पहले किसको आया था? हम सबको आया था, सुजुकी की तरह है? तरह बता दो ना, हम सबको आया था घर में जाने का। क्यों गए थे उस घर के अंदर? खेलने गए थे। और ये कोई खेल है? किसी के अंदर बगैर इजाजत किसी के घर के अंदर चले गए हो, है कहते हो खेल है? तो आप भी तो गई थी उस घर में बगैर इजाजत के। असल में हम पुलिस वाले ना, ये हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरों के घरों में घुस के चाय पिए। हमने तुम्हें देखा था। चुप, ये बड़ा खतरनाक मामला है, जरा से पटा लो इनको। हमारा ये ख्याल है कि तुम दोनों लड़कियों का इस सारी वारदात में कोई हिस्सा नहीं है। हाँ हाँ हाँ
हम ये समझते हैं कि दोनों लड़कों ने तुम दोनों को उकसाया उस घर पे। बिल्कुल हाँ। ये आइडिया आपका गलत भी हो सकता है। ये हरगिज मुमकिन नहीं ना, हो सकता है हमने ये आइडिया उनके साथ ना ना नहीं मुमकिन नॉट पॉसिबल। क्यों? लड़के चालाक होते हैं, बेबाक होते हैं, उनमें ज्यादा जान होती है, हाँ ताकतवर होते हैं। हाँ हाँ लीडर हमेशा औरत होती है। कहता है जो लड़कियां बुद्धू होती हैं, कहता है जो लड़कियां हमेशा रोती हैं, वो कौन है वो कहां है? कहां है जो कहता है उसे कहने दो। कहता है जो लड़कियां ही करती है, कहता है जो लड़कियां लड़ाका होती हैं, वो कौन है वो कहां है जो कहता है उसे कहने दो। जो कहता है हम बुद्धू हैं वो खुद ही बुद्धू है, जो कहता है हम दीवाने वो खुद दीवाना है, जो कहता है हम ही करते हैं वो खुद ही करता है। ला 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 la 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 la। एक मिनट तुम लोग समझते हो कि हम बेवकूफ हैं? अभी तफ्तीश जारी है। आप क्या तफ्तीश करेंगी हाथी मेरे साथी? ओए और जबान संभाल के बात करो। तुम लोगों ने जुर्म किया है, इसकी सजा है 3 महीने जेल में। तो 3 महीने साथ गुजारेंगे। क्या मतलब? आप भी तो घुसी थी उस घर में बगैर इजाजत के। मुजरिमाना मुदाखला। पुलिस तशद्दुद में उतर आई है। ठाक। यस मैडम। एक आध हल्का फुल्का लाठी क्या मतलब? मेरे को क्या कहती हो? इनको बोलो इनके ऊपर ना आंसू गैस मार के मत शर कर दो इनको। ओए कंट्रोल का क्या मतलब है? तुम गद्दार हो। ओए गाली ना दे मैडम, आइंदा आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगी। मेरी रिपोर्ट करोगी? तुम मेरी रिपोर्ट करोगी? क्या कहोगी उस रिपोर्ट में? मैं तो कहूंगी तुमने मेरे आर्डर की तामील नहीं की। जी देखा जाएगा, डीआईजी साहब के पास तो मैं जाऊंगी। हाँ हाँ देखा जाएगा, जब इंक्वायरी बैठेगी ना तो मैं भी देखूंगी। समझ आई? जाए जाए देखा जाएगा। ठीक है अब मैं जा रही हूँ डीआईजी साहब के पास रिपोर्ट लिखाने। समझ आई? गद्दार कहीं की। और मैं इस केस से ले रिजाइन करती हूँ। थैंक यू। आंटी का बाजू मत निकाल देना। आप लोग जाइए गोलियां बहुत चलती है। खतरा है, खतरा। आप हमारे लिए मैदान क्यों नहीं बनाते? मैदान बनाने के लिए ढेरों रुपया चाहिए होता है। कितना रुपया? F-16 लेग के लिए जितना चाहिए होता है। F-16 के बदले 2000 मैदान बन सकते हैं। तो आखिर क्यों नहीं बनाते मैदान? एक F-16 कम खरीद ले, वैसे भी यूं ही खड़े हुए काम काज तो कोई कर। और क्या, F-16 हमारी हिफाजत के लिए जरूरी होते हैं। अच्छा तुम लोग बताओ हम मैदान बनाए या F-16 ले? मैदान तो वैसे अब हम कहाँ खेले? अच्छा ये जगह अच्छी है, अच्छा कितनी देर में खेलते हैं? चोर पुलिस और मैं पुलिस चीफ। नहीं 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 आप पुलिस चीफ ठीक है, और हम चोर हैं रात में पकड़िए ठीक है। ये देखो तुम लोग यहाँ नहीं खेल सकते, बट थैंक यू आपने मेरी प्रमोशन करा ली। मेरे छोटे बच्चे हैं वो बेचारे भूखे रह जाएंगे, तो ऐसा करते हैं कोई दूसरी जगह तलाश करते हैं तुम लोग के खेलने के। एक जगह है। कौन सी? वो ही पुराना घर। लेकिन उस घर के मालिक मकान से हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। आप ले लेना, आप वो लिख देना एप्लीकेशन।
मिल के लिखते हैं। ये भी लिखे मैं घर में क्या क्या चाहिए। आंटी स्विंग स्विंग हाँ स्विंग के और सीसा भी चाहिए स्लाइड स्लाइड वीडियो गेम और क्या बताएं क्या और एक्सबॉक्स लूडो लूडो और लेगो कैंडी कैंडी से खेलते कैंडी हाँ चलो मजा आएगा। चलो और क्या लिखा ये सब हमारे पास होगा। आज से हम सब एक हैं सारे बच्चे एक हैं अब तुमको जो भी करना हो कर लो हम सब एक हैं। हम जहाँ भी खेलना चाहेंगे वहीं उधम मचाएंगे हम करेंगे जो भी चाहेंगे। कोई रोके ना कोई टोके ना हम एक हैं एक रहेंगे एक ही कहलाएंगे। ये है छोटी ये है मोटी और ये है टोटा और मैं हूँ ऐसे हामिद। Thank you very much. Thank you. Please. My hand is gone. Oh.